बेबी को ओजी डालनी है, उसके लिए ट्राली में सामान रेडी किया है, फीडिंग ट्यूब, ड्यूरो टेप, एक सिरिंज मार्कर। सबसे पहले हैंड वॉश करेंगे। सबसे पहले हम मेजर करेंगे नोज, ईयर और स्टमक। सबसे पहले ग्लव्स डालेंगे, फीडिंग ट्यूब लेनी है ऐसे, और इस सप्लाई तरीके से करेंगे फीडिंग ट्यूब की नोज, ईयर और स्टमक। स्टमक तक करेंगे, उसके बाद हम इस पर निशान लगाएंगे, निशान लगाएंगे। हम इसको ओजी से डालेंगे। बेबी की पोजीशन देख लो आप, और जहाँ मार्कर लगाएगा उस वाले पोजिशन को अंदर नहीं होना चाहिए, उसको बाहर रखना है, और उसको हम अच्छे से फिक्स कर लेना टेप के साथ। टेप कर लिए, फिर हम स्टॉमक में इसको देखेंगे। ठीक है, तो देखिए एक्सप्रेस चेक किया, टेस्ट प्लेट आ गया, बस फीडिंग ट्यूब ठीक है। फीडिंग कैसे देते हैं, हम इसको फीडिंग दे रहे हैं ट्यूब फीड से। अगर आप प्रेशर से दोगे तो बेबी वॉमिटिंग भी कर सकता है, आपने स्लोली स्लोली देनी है। देखो फीडिंग आराम से जा रही है बेबी को, कंफर्टेबल तरीके से, वो परफेक्ट टेक्निक है फीडिंग, ट्यूब फीडिंग कराने की छोटी बेबी की। एटी के बीच में देनी है, 90 तो बिल्कुल स्ट्रेट हो गया, 90 नहीं रखनी है, 85 तक रखनी है, और बेड की पोजीशन के हिसाब से होगा। बस ये स्टमक से ऊपर ही रहना चाहिए, फेस से ऊपर, इससे फ्लो जाएगा नीचे के अंदर। अगर हम नीचे रखेंगे तो ये फ्लो नहीं जाएगा अंदर, इसको हम थोड़ा 80 और 90 की डिग्री में रखेंगे। ट्यूब फीड दी जाती है बेबी को ऐसे, बस उसके बाद क्लंप कर देना, बंद करके रख देना।